भगवान क्या है? बोले गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना कान के सुन लेता है उसे भगवान कहते हैं, जो बिना हाथ के काम कर देता है उसे भगवान कहते हैं, जो बिना पांव के चल लेता है उसे भगवान कहते हैं। अच्छा आप बताइए, बिना पांव के कोई चल सकता है? पर भगवान चलते हैं। बिना हाथ के कोई काम कर सकता है? पर भगवान करते हैं। अच्छा बिना कान के कोई सुन सकता है? पर भगवान सुनते हैं। अच्छा बिना आंख के कोई देख सकता है? सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद, जिसके एक नहीं हजारों नेत्र हो, कान हो, चरण हो, हाथ हो, वो ईश्वर है। अब आप यहाँ एक प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज जी, भगवान बिना आंख की कहाँ देखा और कहाँ सुना? हमें तो आपने कह दिया, हमने सुन लिया, इसका कोई प्रमाण तो दो। आज हम आपको प्रमाण पत्र देंगे कि भगवान ने बिना कान के कब सुना, कहाँ सुना, कैसे सुना। जरा ध्यान से आप सुनिएगा। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके कृष्ण को याद किया, द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा, गोविंद मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। जब द्रौपदी ने कहा, गोविंद मेरा कोई नहीं है, और जिसका कोई नहीं है, भक्त जिस दिन ये कह देता है ना कि मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, उस दिन भगवान उसका हो जाता है संपूर्ण रूप से। जब द्रौपदी ने बुलाया, अच्छा द्रौपदी ने कहां से बुलाया था? द्रौपदी उस समय हस्तिनापुर में थी, अर्थात दिल्ली में थी। हस्तिनापुर उस जमाने में, आज इसे दिल्ली कहते हैं, इंद्रप्रस्थ। द्रौपदी दिल्ली पे थी, जहां उसका वस्त्र खिंचा, चीर खिंचा, वो दिल्ली थी। अब दिल्ली में साड़ी खिंच रही है द्रौपदी की, और आधी खिंच गई। और भगवान उस समय कहां थे? उस समय भगवान द्वारिका में थे, रुक्मणी भोजन परोस रही थी। आइए गोविंद बैठिए, भोजन करिए। श्याम सुंदर हाथ धुल करके प्रेम पूर्वक भोजन करने बैठे थे, और आज रोटी तोड़ करके मुख पे ले जाने वाले थे, तभी द्रौपदी ने कह दिया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज में जा रही। दोनों हाथ उठा दिए द्रौपदी ने। अब बताइए कि उस समय टेलीफोन भी नहीं था। अब बताइए दिल्ली से द्वारिका की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है, ज्यादा ही होगी कम नहीं होगी। अब 1500 किलोमीटर दूर कोई हो और आप यहाँ से पुकारें तो क्या सुन सकता है कोई साधारण प्राणी? मैं या आप सुन सकता हूँ बिना मोबाइल बिना फोन के? पर भगवान देखिए, द्रौपदी ने पुकारा और द्वारिकाधीश ने सुन लिया, तो सिद्ध हो गया ना कि वो बिना कान के सुन सकता है। द्रौपदी की सुन लिया और सुन ही नहीं लिया। द्रौपदी ने बुलाया तो दौड़ पड़े। 1500 किलोमीटर कोई चलता तो फिर भी, आज प्लेन से भी कोई जाए 1500 किलोमीटर तो फिर भी कम से कम 2 घंटे लगते हैं। फ्लाइट से भी आप जाएंगे ना तो 1500-2000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो कम से कम, और फास्ट होगी तो 1 घंटा लगेगा। पर सोचिए भगवान दौड़ पड़े, कैसे दौड़े? ना रथ था, ना हेलीकॉप्टर था, ना कुछ, बस दौड़ पड़े, बिना पांव के चल पड़े। वो पहुंच गए और सही समय पे, ऐसा नहीं कि जब साड़ी खिंच गई हो। हमारे भारत की पुलिस सही समय पे नहीं पहुंचती है, पर भगवान सही टाइम पे पहुंच गए जब द्रौपदी को जरूरत थी, पहुंच गए। और द्रौपदी का चीर भगवान ने बिना हाथ लगाए बढ़ा दिया कि नहीं? हाँ या ना? बिना हाथ लगाए,
द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। जो बिना हाथ लगाए काम कर देता हो वो भगवान है, जो बिना पांव के दौड़ जाता हो वो भगवान है, जो बिना कान के सुन लेता हो वो भगवान है। वो लोग किसे कहते हैं भगवान? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य शास्त्री ज्ञान वैराग्योर्चैव भगवान् षड् इतीर्णः। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य शास्त्री ज्ञान वैराग्योर्चैव षड्नाम भगवतीर्णः। जिसके अंदर ये छह गुण हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, यश हो, कीर्ति हो, वो ईश्वर है।